तो गाइस हम इंतजार में 5 बज गए हैं, 6 बज गए हैं आई थिंक, और भाई हमारे घर आ गए, हम लोगों ने खाना नहीं बनाया। ये इसके ऊपर हाँ डाल दें, थोड़ा सा आयल तो डालें। हम लोग यहाँ बर्तन लेने आए हुए थे और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, भाई हमारे घर पहुँच गए हैं, इसलिए हम बाहर से कोरमा लेके जा रहे हैं। वाइट कढ़ाई, ये वाइट कोरमा है, ऊंचा बोलते हैं। तो गाइस अभी मेरा मन नहीं लग रहा, उसमें मैं आ गया हूँ, तो चलते हैं अंदर। आज ना आज क्या बोलते हैं, दावत है, दावत है, छोड़ छोड़ अमर, उसको छोड़ दे। इनके 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 पापा ने मान ली रखी स्पेशली, इनके पापा नहीं हो रहे। तो गाइस अहमद को पता नहीं हम किनके घर दावत पर आए हैं, इसलिए कह रहा है इनके पापा के, ईमान के पापा के घर आए। चलो मेरे घर नहीं आए यार, फिर इनके पापा के। तो गाइस हमें आने में इतना लेट हो गया, इधर खाना वाना लगा हुआ है। पहले आप बात सुनिए, पहले आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं सदके एक अहमद को यह फिकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर की, और किसी का नहीं है ना अहमद। अहमद अच्छा बच्चा है भाई, इसको तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस छुपछुप डाल के घूमती रहती है। हम अनाबिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अनाबिया आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू। और ये देखो मेरा टुनी पुनी भी आ गया है, मेरा शहजादा अहमद भी आ गई है। क्या हुआ, अभी भी हमारे आधे लोग नहीं आए हुए, आधे आए, हम लोग बैठ गए हैं। जरियान क्या कर रहा है, आलिया टिके अंदर टिके नहीं आ ये क्या हो रहा है इधर है, ये क्या हो रहा है इधर, तू काका बना है। मैं मारूंगी, चाय गिर गई ना दोनों, मैं बहुत मारना। तो गाइस हम दावत पर गए थे रात के 3 बजे, हम वहाँ से वापस आए, सारी रात हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम लोग बातें बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इंजॉय करने में बिजी थे। तो गाइस हम लोग अरियान को हॉस्पिटल लेके आए क्योंकि अरियान के ना सर पर चोट बहुत ज़्यादा लगी है, खेलते खेलते ना अहमद ने अरियान को गिरा दिया और अरियान के सर फट गया यहाँ से, और अभी डॉक्टर ने सारे बाल ऊपर से उतार दिए हैं, पहले बाल उतारे हैं फिर यहाँ पर टांके लगाने हैं, ज़ख़म गहरा है इस वजह से अरियान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बना ली आप लोगों के लिए। और हमारे जो जीजू हैं वो तो बेहोश होने लगे थे देख के ना, उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, बहुत पेनफुल था, अरियान बहुत ज़्यादा रो रहा था। आती भाई ने बहुत मुश्किल से अरियान को पकड़ा संभाला, फिर ये अभी इंजेक्शन लगा रहा है डॉक्टर उसके सर पे, ताकि उसका ये जो सारा सर है ना, इस ये वाला एरिया वो सुन्न हो जाए और फिर डॉक्टर यहाँ पर टांके लगा सके, क्योंकि जब टांके लगाएगा डॉक्टर बहुत पेन होगा। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, यकीन माने मेरे में हिम्मत नहीं हो रही ये सब देख के ना, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। अरियान के सर में से इतना ब्लड निकल रहा था कि बार बार ब्लड निकली जा रहा है, हालांकि सर को सुन भी कर दिया फिर भी ब्लड नहीं रुक रहा। डॉक्टर ने टांके लगाने उसको ना मुश्किल हो रही थी, वो बार बार क्लीन कर रहा था, दबा रहा था, यहाँ से प्रेस कर रहा था ताकि ब्लड रुक जाए, बहुत मुश्किल था भाई इसके टांके लगाने।
ऐसे पट्टी करनी है, घर कर लिया है, ठीक है। तो गाइस रियान को स्टिचेस लगवा दिए हैं, 3 स्टिचेस लगे हैं। रियान के बहुत ब्लड निकला है, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग घर जा रहे हैं। चिड़िया घर घूमने जाएगा, अरयान घूमने जाएगा। अरयान इधर देख, जुहान और जुहान क्या कर रहा है, खड़ा क्यों है? अरयान दर्द हो रही है, तू तो आगे से हट है। बाजू में हो रही है, बाजू में जो इंजेक्शन लगाया था उसकी दर्द हो रही है। क्यों तीने का बाजू में कहा इंजेक्शन लगाया था उसने, दिखा वीडियो में दिखा। गाइस अरयान की पट्टी पुट्टी देख के हम लोग इतना घबरा गए थे, अब हम लोग सब लस्सी पी रहे हैं। अरयान ने जूस पिया, अरयान पीनी है लस्सी, तुझे नहीं अच्छी लगती। तो गाइस 4 बज गए हमें, घर आते आते लेके आ गए हम लोग अरयान को। तो भाई घर आके हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर तैयार वगैरह हुए। हम लोगों ने जाना था बाहर घूमने, फिर बच्चों को अभी हम लोग लेके आ गए हैं बाहर। गाइस हम लोग सिटी पार्क आए हैं, अभी इंटर ही हुए हैं और मेरा बेटा नाराज होकर बैठ गया है, पता नहीं क्या हुआ है। अब ये जो भी बोलेगा इसकी डिमांडे पूरी होंगी। क्यों क्या हुआ आर्यन बताओ, क्या लेना है? बलून चाहिए, आ लेके आए। हाँ मैं लेके आऊँ अपने बेटे का बलून। आर्यन को बलून चाहिए और अब हम इसको बलून दिलाएंगे। चल एक और दे दो, एक और दे दो। तो गाइस एमन भी भाग कर आ गई, अब एक एमन के लिए लिया जा रहा है। क्या कर रहा है रियान, क्या कर रहा मेरी चिन्नी। गाइस ज़ैनब और आलिया पिक्चर्स बना रही हैं और मेरी चिन्नी पिनी यहाँ पर खेल रही है, मैं देख रही हूँ इनको। तो गाइस बच्चे झूले ले रहे हैं, बड़े थोड़े बैठ गए हैं और कुछ इधर उधर खिलौने वगैरह देख रहे हैं। मैं भी खिलौने देखने आई हूँ इधर। तो भी अभी गोलगप्पे लेके आई हूँ मैं खाने के लिए, एक ही प्लेट लिया मैंने, कहा पहले ट्राई करते हैं कैसे हैं कैसे नहीं। तो गाइस ये अंकल देखिए कितना मेहनत वाला काम कर रहे हैं, मुझे तो देख के कुछ हो रहा है। और ये सारा दिन ऐसे चलते होंगे। तो गाइस बच्चे सारे इस झूले पे झूले लेने गए हुए हैं, झूले लेके मजा आया कितना? बहुत ज़्यादा। तो गाइस ईमान आज इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वो एमन भी है, उसको जा रहा है ब्लॉग सीखा। तो गाइस अभी आलिया से ना आइसक्रीम खा रही है, आलिया दिखाओ अपनी भी। तो गाइस इनको आइसक्रीम खाते हुए देख के ना मेरा खुद का भी दिल करने लग गया, अब मैं अपने लिए भी लेके आ गई हूँ। ये वाली बहुत मजे की लगती है मुझे। तो गाइस सारे बच्चे ट्रेन में जा रहे हैं।
तो गाइस सारे बच्चे झूले लेने गए हुए हैं, मेरी बेटी झूले नहीं लेती, वो इधर अपना ही अकेले में एंजॉय कर रही है। ए कहाँ अकेली घूम रही है पारो? तो गाइस अभी हम लोग फ्राइज खाने लगे हैं, मेरी आप ही लेके आई है फ्राइज, अब हम लोग फ्राइज खाएंगे। मिर्ची है, बिया तो खा नहीं सकती, बिया की मम्मा ही खाएगी। मिर्ची है गाइस, मैं और आलिया मोशन राइड लेने जा रहे हैं और बाकी बच्चे सारे इधर उधर घूम। गाइस मैं पहली बार मोशन राइड जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा अंदर। तो गाइस अंदर एक ऐसा रूम है और सामने स्क्रीन लगी हुई है और अभी हमें चश्मे दे देंगे, चश्मे लगाएंगे हम लोग। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, मज़े का भाई, मोशन राइड ज़रूर आप लोगों को विज़िट करना चाहिए। तो तो गाइस यहाँ पर बच्चों को फ्राइज दिलाई है और बच्चे हमारे फ्राइज खा रहे हैं। अहमद की एक प्लेट है, अहमद की दो प्लेटें हैं। अहमद आपकी कितनी प्लेटें हैं? ये हम दोनों मिलकर खा रहे हैं, हमारी दो दो हैं, अहमद और इसकी ईमान और अहमद की एक एक प्लेट है। ये रियान की प्लेट है, गरम है, सब्र कर लो बच्चो, अहमद बच्चो सब्र कर लो, सब्र कर लो। गाइस वो देखिए अभिया किस कोने में आया है, नज़र आ रही है आपको? ये कब से यहीं पर घूम रही है, आ ही नहीं रही, इसको इतनी बार में पकड़ के लेके आ गई, अकेली घूम रही है बस, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, अपना इसने एंजॉयमेंट लगाई हुई है, अपनी दुनिया में घूम रही है। तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, पार्क में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आज एंजॉय किया। ये क्या? तो गाइस हमने सोचा जाने से पहले एक बार फिर पेपे का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ का स्टे बहुत बहुत अमेजिंग है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आज फिर आए हैं स्पेशली स्टे खाने। तो गाइस होटल हम लोग पहुँच चुके हैं और ज़ैनब वॉशरूम में थी, मैंने आके वॉशरूम में ज़्यादा इतनी ज़ोर से जाया, ज़ैनब पूरी हिल गई, गलती कौन है? तो गाइस स्टार्टर आ गया, स्टार्टर में विंग्स की चार प्लेट ऑर्डर की थी। बाकी मेन कोर्स में अभी टाइम है, बच्चे आ गए। तो भाई इनका स्टेक इतना मज़े का है, स्टेक तो हम लोग कराची में भी खाते रहते हैं, लेकिन पेपरिका का स्टेक नंबर वन पर है, बहुत मज़े का। यहाँ पर हम लोगों ने मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी, साथ में हम लोगों ने यहाँ की पेपरिका की स्पेशल जो दाल थी वो ऑर्डर की थी, ये मामी इस लोगों के लिए, मामा और खाला दोनों खाती हैं तो उनके लिए, फिर साथ में रोटियाँ थी, नान थे, पराठे थे। बारिश स्टार्ट हो गई है, जो लोग उधर बैठे थे ऊपर से बारिश उन पर आई है, वो लोग अब उधर जा रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर हम लोग नीचे आ गए, नीचे आके खाना वाना खाया, बच्चों ने डोनट वगैरह खाए और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। और घर जाने से पहले यहाँ पर सौंफ पड़ी होती है, आप जाने से पहले एक चम्मच खा सकते हो, वो हम लोगों ने खाया है। बाहर आ गए, ईमान ने रो भी लिया है, आलिया ने उसके मुंह में सौंफ घुसा दी थी इसलिए। अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, जैसे गाड़ी आएगी फिर हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। और आइसक्रीम हम लोगों ने यहाँ से स्टे नहीं खाई, क्योंकि हम लोग क्वालिटी आइसक्रीम से खाएंगे, वहाँ की सबसे बेस्ट है यहाँ रेंगर खान में।
तो भाई मेरे गए थे अम्मी और खाला को घर छोड़ के आने के लिए, और फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाने जाना था। उन लोगों ने कुल्फ़ी खानी है, उनके लिए कुल्फ़ी लेके जाएंगे। और ये लोग छोड़ के वापस आ चुके हैं, और जैसे है ना एमन यहाँ पर चढ़ी हुई थी, अभी मान जा के चढ़ गई है। और तो गाइस आइसक्रीम आ गई है, अब हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो गाइस सब लोग आइसक्रीम खा के आ गए हैं, और बाहर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। जल्दी खोलो दरवाज़ा, जल्दी बैठो, आगे हो जाओ। यार मैं गीली हो रही हूँ, सारियाँ अड़के बह गई हैं।